इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चोरी करती रंगे हाथों पकड़ी गई भाजपा पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में एक आईपीएस अधिकारी को भाजपाइयों द्वारा खालिस्तानी कहे जाने से पूरे देश की भारतीय सेवा की पुलिस प्रशासनिक बिरादरी में रोष आक्रोश फैल गया है। हार के डर से भाजपा इस स्तर पर गिर गई है कि वो देश के अधिकारियों पर निराधार आरोप लगाकर उनका मनोबल गिराना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हारती हुई बीजेपी की हताशा ही उससे ऐसे काम करवा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव और पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी पर वो बरसे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चोरी करती रंगे हाथों पकड़ी गई भाजपा पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में एक आईपीएस अधिकारी को भाजपाइयों द्वारा खालिस्तानी कहे जाने से पूरे देश की भारतीय सेवा की पुलिस प्रशासनिक बिरादरी में रोष आक्रोश फैल गया है। हार के डर से भाजपा इस स्तर पर गिर गई है कि वो देश के अधिकारियों पर निराधार आरोप लगाकर उनका मनोबल गिराना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हारती हुई बीजेपी की हताशा ही उससे ऐसे काम करवा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव और पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी पर वो बरसे हैं।